अच्छा अभी ब्रेक नहीं है। अच्छा अब नेक्स्ट आप क्या बता रही? नेक्स्ट मैं बता रही हूँ हेयर मिस्ट। क्या बता रही? हेयर मिस्ट। हेयर मिस्ट इसलिए कि अगर आप शैम्पू नहीं करना चाह रहे हैं, आपको जल्दी बाहर जाना है, तो आप स्प्रे करिए ताकि आपके बालों में से अच्छी अच्छी स्मेल आए। हाँ क्योंकि होता ये कि आपने सुबह शावर लिया है और शाम तक आपके वही चिक 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 हो जाते हैं और वो आपको लगता है। और मैं जो बता रही हूँ इसे जो है वो हेयर रिजनरेशन भी बहुत अच्छी होगी, हेयर रिजुविनेशन भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो आप बालों में जो है आपके एक बॉडी आ जाती है। और जरूरी नहीं है बाहर तो नहीं जा रहे ना, घर में ही आपको खुद अच्छा नहीं फील होता ना वॉल्यूम, आपको अच्छा फील होगा तो आपको खुद लगेगा कि आपके बाल भी गिरना रुक गए हैं और बाल मोटा भी हो गया। अच्छा आप जो है जो भी मौसम का फल है आप उससे बना सकते हैं। आजकल जो है वो कैरी मौजूद है, कैरी ले सकते हैं, आम के छिलके ले सकते हैं। ठीक है, चार से पांच हम ये डालेंगे। मैं कैरी भी डाल रही हूँ और आम के छिलके भी डाल रही हूँ। इसमें हम शामिल करेंगे एक कैप्सूल विटामिन ई की। आम के छिलके, कैरी के छिलके, कैरी या आम के पानी है ना पहले। आप सेब के भी ले सकते हैं, पानी में गर्म पानी में डालना है, हमने बॉईल कर लिया है इसको। ठीक है, अच्छा सिर्फ इतना करना है कि ये बस अपना कलर जो है वो छोड़ दे। ठीक है, अच्छा और वो आपने कैप्सूल डाली थी विटामिन ए, विटामिन ए एक जी, दो है एक है एक विटामिन ई की, ई विटामिन ई। अच्छा, ए और ई में बड़ी कंफ्यूज हूं। और एक चम्मच हम डाल रहे हैं इसमें कोकोनट क्रीम, कोकोनट बस। ये देखिए ये वाइट सा कलर आ गया है इसको। और इसमें क्योंकि मैंने अभी बताया कि इसमें सारे मिनरल्स और विटामिन्स मौजूद हैं, हाँ। इसको आपने जो है वो फिल करके रख लेना है एक बॉटल में, इस तरह ये कलर छोड़ देगा। तो वो बॉटल फिर आप क्या बालों में स्प्रे कर लें, स्प्रे ठंडा करके गरम ना कर लीजिए। नहीं बिल्कुल ठंडा, हाँ। बिल्कुल ठंडा आप रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, स्प्रे बॉटल में फिल करिए और जहाँ आपको जाना है आप जड़ों से लेकर टिप्स तक लगा सकते हैं। अच्छा, और ये सफेद जिसका रंग है वो नहीं आएगा बालों? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये तो अभी खत्म हो जाएगा, ये इसके साथ ही अभी आप देखिएगा ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा बिल्कुल। नहीं तो ये क्या करेगा, ये कैसे? देखिए कोकोनट में, कोकोनट मिल्क में विटामिन ई ऑलरेडी मौजूद है, उसके अलावा जो है वो विटामिन सी विटामिन ए की क्वांटिटी मौजूद है, और हमने जो छिलके शामिल किए हैं उनमें रेटिनॉइड्स हैं जो आपके बॉन्ड्स ओपन हो जाते हैं बालों के। कोई भी आपने केमिकल ट्रीटमेंट लिया हो, चाहे वो डाई है, चाहे आप जो है स्ट्रेटनर यूज कर रहे हैं, चाहे आप ड्रायर यूज कर रहे हैं, उससे आपका बॉन्ड ओपन हो जाता है। अच्छा, बॉन्ड जो वो इस वक्त तो हमें सिल्की लगते हैं, लेकिन जब हम वॉश करते हैं तो वो बॉन्ड ओपन हो गया। जब बॉन्ड, ये बॉन्ड को क्लोज करेगा, इसीलिए आपके बाल स्ट्रेट और सिल्की होंगे। और दूसरा ये कि जो फ्रूट्स हमने शामिल किए हैं तो वो हेयर मिस्ट बन गया, वो आपको स्मेल बहुत अच्छी स्मेल आप आकर खुशबू सूंघे इसकी इतनी जबरदस्त यहाँ तक आएगी बालों में। कैरी नहीं है, कैरी अभी आप सूंघे, और अगर आपको फिर भी बहुत ज्यादा चाहिए तो आप रोजमेरी ऑयल डाल दीजिए उसके अंदर डालने, उसमें बहुत अच्छी स्मेल हो जाती है।